बाबा ने बुलाना भैया इनको। हाँ भैया फोटो खींच के ले जाओ, ये सारा सामान लाना है और बाकी अपनी पर्ची। जब सामान ले आएंगे तभी उनके मंगलवार का हवन होगा भैया, ये सामान पूरा लाना है, फोटो खींच लो और जो जो समस्या होती है पर्ची पे लिख के सारी साबित बाबा को वहाँ रख दो। चाहे आज तो चाहे जब सामान लाएंगे मंगलवार को तब दे देना आप। खेतों में घर है? कोई खेतों की क्रिया उठ के आ रही है? खेत वेत से कुछ संपर्क है क्या तुम्हारा? नहीं दीदी, इनको तो शरीर में आप प्रेत रमा हुआ है, छाती में भी पूरा बैठा हुआ है, पेट में भी और पैरों में। हनुमान जी की सेवा कर रहे तुम? तेरे पास तो सिद्धि जागृत होगी। आंख बंद करो। सारे ही हनुमान जी पूजने लग रहे हैं क्या? अब कल ये हनुमान जी भैया तो क्या कर सकते हैं? पेन भूलेगी। शरीर में रम गया बहन जी, जलन होती है शरीर में। जलन क्या बताओ, मेरी तो सारी उम्र ऐसे निकल गई, बहुत परेशान है, बर्बाद हो गया। हम आपको ठीक करेंगे बहन जी, बाद में घर ठीक करेंगे। किसको बताऊं मैं तो भगवान से लेके हर चीज से मैं थक गई, अब तो मेरा लास्ट है मैं बस। सब मेरे पास लास्ट में ही आते हैं। एक ही बच्चा मेरा नहीं, मन्नू भैया भी हर जगह गए। हम मन्नू भैया तो कह रहे प्रीतम तो हमें कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब बहुत पहले गए थे हम जगह हर जगह जाके थक गए हम। बच्चा मेरा अकेला है, क्या बताऊँ आपको, एक ही लड़का है मेरा, पूरा घर सत्यानाश हो गया, काम धंधा हर चीज से बैठ गया, ऐसे मन कर रहा है बस आत्महत्या करके। आत्महत्या मत करो बहन जी, चार दिन मेरे पास हो मैं एकदम ठीक कर दूंगी। एक बहू है मेरी, वो भी बेचारी परेशान, छोड़ के आई इसको घर पे मैं। घर की महिलाएं रोती है तो सारे देवी देवता रुष्ट हो जाता है। मेरे पास क्यों नहीं आई बहन जी, मेरे पास क्यों नहीं आई? आप थे नहीं उस दिन धाम पे, मैं दोबारा आया था लेके, आप थे नहीं, आप फोन पे बात करी थी आपने, मैंने बताया था कि मैं बागेश्वर धाम से भी जुड़ा हुआ हूँ, आपको फोन पे हमने देखा था। तो वहाँ से जुड़ने के बाद आराम नहीं आता दीदी जी? घर में दिक्कत बहुत ज्यादा है, घर में प्रेत दिखाई देते रहते हैं। प्रेत तो दिखेंगे भाई, वो रमा पड़ा है पूरा जल के मरा हुआ, कोई व्यक्ति है वो पीछे पड़ा हुआ है, घर वाली है उसे कभी लड़की दिखाई देगी कभी बच्चे दिखाई देंगे। बंती ने मेरा पेट बिगाड़ रहा था, 6 साल हो गए सोएंगे, इतना दबाव, इतने झटके कूदते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, 6 साल हो गए पेट बिगाड़ रहे, पेट में तुम 5 सदस्य रहते हो? नहीं दीदी जी, 3 ही तो है। और दो आपके पति? डेथ हो गई लड़की, पहले जवान खत्म हो गई मेरी, लड़की तो उसकी भी डेथ हो गई, पति भी घूम। 5 सदस्य थे, 2 खत्म हो गए, 3 ही थी फैमिली में, 3 ही थे हमारी, 2 बच्चे थे, 2 मियां बीवी थे। उसमें पहले सबसे पहले लड़की खत्म हुई मेरी जवान, 12वीं पढ़ते पढ़ते बोर्ड के पेपरों में लड़की खत्म हुई, उसको काफी साल हो गए। क्या नाम था लड़की का? हेमलता। नवरात्रों में खत्म हुई थी वो भी, चैत के नवरात्र। एक मिनट देख मेरे भाई कहाँ है, तीसरा नवरात्र। ये पतली सी? हाँ पतली तो नहीं, सही थी। हाँ ज्यादा ना मोटी ना पतली, ठीक ठीक है, बाल थोड़े लंबे हैं, चेहरा थोड़ा लंबा सा मेरे जैसे। रंग आपसे साफ है ना? हाँ जी सांवला। इसकी शादी की बात चल रही थी? नहीं, शादी की बात चल रही थी, ये पढ़ाई कर रही थी, 12वीं के पेपर, बोर्ड के पेपर में, तो फिर फांसी क्यों लगाई? बोर्ड के पेपर में ये समझ में नहीं आया दीदी, वो भी राज खुला नहीं, उन्होंने फांसी लगा ली थी, पता नहीं कोई चक्कर था क्या था, ये भी कुछ और बात है, मैं बाद में बताऊंगा, सबके सामने बताना चाहता है, अकेले में बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज, हम माता जी के 15 किलो करीब नींबू काटेंगे, धीरे धीरे आराम आएगा, पहले हम पेट की समस्या निकालेंगे, उसके बाद पैर की, धीरे धीरे छाती और सर सबसे आखिरी में आराम आएगा, 4-5 बार लिया एकदम ठीक हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे घर का ठीक करेंगे। तो समस्या आप बता रहे हैं, ये किसी ने कर रखा है क्या दीदी? ये हाँ कर रखा है भाई, खेत की क्रिया उठा के भेज रखी है, खेत की क्रिया समझता है गड़ंत की चीजें उठा के भेज रखी है, जैसे छोटे बच्चे कच्ची मछाड़ी समझता है, कच्ची शमशानी वहां से छोटे बच्चे बांध के भेज देते हैं, जिसके साथ 2 प्रेत होते हैं, 1 महिला 1 पुरुष होता है, ठीक है, और भी चीजें होंगी समझ गए। अभी तो मैं घर गया नहीं, देखेंगे निकालेंगे, पहले उतारेंगे। अभी कितने कितने प्रेत? अभी 3 प्रेत दिख रहे हैं, जिसमें से 2 छोटे बच्चे हैं और 1 पुरुष दिख रहा है जो शरीर में रमा हुआ है, महिला पक्का होगी। किधर के भेजे हुए दीदी जी? सारे ये आपके गांव पक्षी है सारी क्रिया, मायके की तरफ के। तो दीदी जी कितने करवा रहे बताएंगे बाद में, चलो क्रिया कराओ पहले, उसके बाद पूछना मेरे से।